नमस्कार, मैं हूं ज्योति बिष्ट। आप देख रहे हैं भारत फोकस न्यूज। मुजफ्फरनगर उत्तराखंड के पूर्व सीएम व हरिद्वार से सांसद त्रिवेंद्र रावत दिल्ली से हरिद्वार जाते समय शंकर मंदिर में रुके और पूजा अर्चना की। त्रिवेंद्र रावत के साथ उनकी पत्नी व बेटी भी पूजा में मौजूद रही। वहीं त्रिवेंद्र रावत ने जनगणना पर बोलते हुए कहा कि पूरी दुनिया जानती है कि जब जनगणना होनी थी उस समय पूरी दुनिया कोरोना महामारी से प्रभावित थी, कहना चाहिए अस्त व्यस्त थी, और ऐसे में लोगों का जीवन सुरक्षित रहे ये किसी भी सरकार का दायित्व बनता है और वो दायित्व नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने निभाया। निश्चित रूप से जनगणना का भी एक तरीका है और जनगणना भी होगी। जनगणना एक प्रक्रिया है, वो होना ही होना। जनगणना हर 10 वर्ष में होती है। इस बार कोरोना के कारण डिस्टर्बेंस हुआ, पूरी दुनिया में ही जनगणना नहीं हो पाई। पहले लोगों का जीवन बचाया जाए या गणना करें लोगों की, ये उनका चुनावी मुद्दा है और कुछ नहीं। तो आज मैं जब दिल्ली से लौट रहा था तो मुझे लगा कि उनके आवास पर मुझे जाना चाहिए। आज मैं उनके आवास पर आया हूँ और यहाँ पर मंदिर में दर्शन करके आशीर्वाद लेके यहाँ से जा रहा हूँ। ऐसा है कि सारी दुनिया जानती है कि जब सेंसस होना था, जब जनगणना होनी थी, उस समय सारी दुनिया कोरोना महामारी से प्रभावित थी, अस्त व्यस्त थी कहना चाहिए, और ऐसे में पहले लोगों का जीवन सुरक्षित रहे ये किसी भी सरकार का दायित्व बनता था और वो दायित्व नरेंद्र भाई मोदी की सरकार ने निभाया। निश्चित रूप से जनगणना का तो एक तरीका है, वो जनगणना होगी। जनगणना उठाने की जरूरत नहीं, तो एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को होना ही होना है। यह जनगणना हर 10 वर्ष में होती है। इस बार डिस्टर्बेंस हुआ कोरोना के कारण, पूरी दुनिया में ही नहीं हो पाया, तो भारत उससे अलग कैसे हो सकता है? पहले लोगों का जीवन बचाया जाए या पहले हम गणना करें लोगों की, वो समय नहीं था कुछ काम करने का। देखो, ये उनका चुनावी मुद्दा है और कुछ नहीं है।